श्री गणेशाय नमः, श्री लक्ष्मीनारायणाय नमः नमः, ईश्वर सरस्वतीभ्यो नमः, हनुमन्ते नमः नमः, कुलेश्वर महादेव शंभु सदाशिव। श्री लक्ष्मीनारायण चैनल देखते रहिए, इसमें अवश्य आपके लिए कुछ होगा। और आज हम बात कर रहे हैं हमारे आज के बहुत ही खूबसूरत वीडियो के पांचों उंगलियों के, जो हमें बहुत ही मजबूत प्रदान करती है। अगर हम किसी को पकड़ते हैं, किसी का हाथ पकड़ते हैं, कोई भी एक उंगली को छोड़ कर पकड़िएगा आप, वो बिल्कुल ही मजबूत नहीं होगा, छूट जाएगा। अगर पांचों उंगली पकड़ के पकड़ते हैं तो उसको छोड़ नहीं सकते हैं, लकड़ी रहे डंडा रहे तो भी उसको पकड़ लो आप हाथ में, नहीं छूटेगा। जहर का कोई दैनीय हाथ में गया, पाँचों उंगली से पकड़ो, नहीं छूटेगा। इस तरह से पाँचों उंगली को साथ में रखें, जैसे कनिष्ठा भी हो नमः, जो छोटी उंगली है, छोटी बहन मानिए, अपनी बहू मानिए, बेटी मानिए, तो उसके बिना भी नहीं चलता है, क्योंकि वो खूबसूरत भी होती है, छोटी है, लाडली भी होती है। वो अनामिका उसके बाद की उंगली है और बहुत ही शुभ है। उससे आप तिलक करते हैं तो इसे बहुत ही पवित्र माना जाता है। वह अनामिका है जो भगवान को बहुत प्रिय है, वो तिलक हम उससे करते हैं तो उसके बिना कि आपको नहीं चलेगा घर में। अनामिका भी हो नमाज, क्योंकि उसकी वो उंगली भी खूबसूरत है, उससे हमारे सब कार्य संपूर्ण होते हैं। और अनामिका का महत्व और भी होता है कि हम अगर भगवान की पूजा में बैठे, जिसको भी तिलक करते हैं वो शुभ भी होता है। उसके तीसरी आंगली दिख रही है, दूसरी आंगली छोटी के बाद, बेन के बाद जो आती है वो छोटा भाई समझिए, और इस तरह से उसको मान सम्मान दे दीजिए। जितना भी मान देंगे उतना अच्छा है। सुबह में अथली को देख के जो बोलते हैं, उसी अथली को करा कर भक्त लक्ष्मी कर्म ले सरस्वती कर्म दे तो गोविंद प्रभात कर दो सम। और सबसे ऊपर वाले है वो जो बड़ा भाई है, तो बड़ा भाई को एक पिता के समान होता है, तो उसको अपना फर्ज अदा करना चाहिए। बड़ा भाई भाई को भी, छोटे भाई को भी उतना महत्व देना चाहिए, बहन को भी उतना महत्व देना चाहिए, माता पिता को भी उतना महत्व देना चाहिए। और बड़े के भाई के बिना भी नहीं चलेगा, बड़ा भाई रहेगा तो संपूर्ण घर की सुरक्षा होती है। और माँ बाप जब बूढ़े होते हैं तो बड़े भाई अपना पिताजी का स्थान लेते हैं, तो इस सबसे बड़े भाई को समझना चाहिए कि हमें किस तरह से रहना है। तो मध्य भाव में भी हो नमः, तो उस तरह से उस उंगली का भी उतना ही महत्व है। और उस उंगली से आप टीका करते हैं समाज में तो बहुत ही सम्मान बढ़ता है और हर जगह पर नाम बना रहता है बड़े भाई की तरह, क्योंकि बड़े भाई सही होता है। तो सीधी बात है, मध्य भाव में पियो नमः। उसके बाद आता है बड़े उंगली की बात की जो आती है तर्जनी। तर्जनी बोले तो बहुत ही खूबसूरत उंगली है, और दूसरे नंबर अंगूठा के बाद की उंगली है, जो बड़े भाई के बाजू वाली अंगूठे के बाद की दिख रही है, और जिन्हें तर्जनी बोलते हैं। और उससे क्या क्या कार्य सिद्ध होता है, सब कार्य सिद्ध होता है। उसको आप माँ का स्थान दीजिए और बहुत ही बड़ी बहन का स्थान दे सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत है। और जब हम पितृ कार्य करते हैं तो उस उंगली का महत्व बहुत ही बढ़ जाता है। जैसे कि तर्जनी भी हो नमः, उस उंगली से तिलक करने से पितृ हमारे खुश होते हैं, तो पितरों को तिलक करना चाहिए। पितरों का नाम लेके आप अगर कहीं किसी को भी तिलक करते हैं, बच्चे को, छोटे भाई को, बहन को, बहुत ही शुभ माना जाता है। इस तरह से तर्जनी भी तर्जनी भी हो नमः, उसको भी उतना ही महत्व दीजिए, कि पांचों उंगली के बिना नहीं चलेगा। उसी तरह से घर संसार परिवार है, पांचों उंगली समझिए और पांचों महत्व दीजिए। पांचों में भगवान का स्थान है, पांचों में हरि का स्थान है, लक्ष्मी जी का स्थान है। उसके बाद आता है माता पिता। पिताजी समझ लो अंगूठा है, अंगूठा भी हो नमः। पिताजी नहीं है तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक बड़ा सा पेड़ है, उसकी छाँव में आप मिल रही है। उसी तरह से पिताजी की छाँव है, वो छाँव में रहिए और पिताजी का आदर कीजिए। और उससे जो तिलक करता है वो कभी भी सब असफल नहीं होता, शुभ ही होता है। वो तिलक कीजिए, पिताजी का नाम लीजिए, माताजी का नाम लीजिए और अंगूठे को महत्व दीजिए। तो उस तरह से पांचों उंगली की तरह पांचों घर में रहिए। पांचों में भगवान का स्थान है, किसी कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। बहन है, छोटी बहू है, भाई है, बहन है, पिताजी है, छोटे भाई है, छोटे भाई की बहू है, बड़े भाई है, सबका महत्व माता पिता अंगूठा पे नमः। इस तरह से आप सब कार्य कर सकते हैं
और अगुस्त आप भी अवलंब माता पिता को सम्मान दीजिए, वही सम्मान आप बड़े होंगे तो आपका बच्चे लोग है वही आपको स्थान उससे भी ज़्यादा ब्याज के साथ आता है, कि मोर के जो अंडे होते हैं उसमें पेंटिंग नहीं करना पड़ता है, वो अपने पेंट होके आ जाते हैं उसके डिजाइन के हिसाब से, जिससे आप करोगे वैसे ही भरोगे। तो इस हिसाब से पांचों उंगली को महत्व दीजिए, कुटुंब में हर एक को महत्व दीजिए, सही है कि आपको मान सम्मान सामने भी मिलना चाहिए, सामने नहीं मिलता है समझाओ और स्थान प्राप्त करो, इस तरह से आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, बच्चे लोग बहुत खुश रहे, पढ़े लिखे भविष्य में आगे बढ़े, इसी शुद्ध भावना सद्भावना के साथ आपका दिन शुभ मंगलमय हो। ओम हरिओम नमो नमः नमो सिद्धारायणाय नमो नमः। श्री लक्ष्मीनारायण कृपा चैनल देखने के लिए आप लोग का सबका खूब खूब धन्यवाद, देखते रहिए, हरिओम।